ये एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां दिन भर हमेशा मरीजों का तांता लगा रहता है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 7 बजते हैं यहां अफरा तफरी मच जाती है। चलो जल्दी चलो, 7 बज गए। हाँ चाहिए, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? पूछो मत, बस चलो। सारे पेशेंट्स और अस्पताल में काम करने वाले सभी अस्पताल खाली कर दिया करते हैं। एक दिन की बात है, मनु और उसकी पत्नी ममता अपनी कार से कहीं जा रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। आराम से चलाइए, बारिश शुरू हो गई है। मैं क्या पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ? मैं तो ये बोल रही थी कि रास्ता ठीक नहीं है, इसीलिए संभाल कर चलाइए। हाँ हाँ, अब तुम मुझे सिखाओ मुझे गाड़ी कैसे चलानी है। इनकी इसी बहस में गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे। ममता तुम ठीक तो हो? अरे रे 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 रे, इतना खून बह रहा है, सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। ममता तुम फिकर मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मनु ने अपनी घायल पत्नी को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चलने लगा। मनु और ममता इस इलाके में नए थे, उन्हें सरकारी अस्पताल के बारे में कुछ नहीं पता था। मनु अस्पताल का बोर्ड देखकर बहुत खुश हुआ। ममता अस्पताल मिल गया, अब तुम ठीक हो जाओगी। मनु अस्पताल के अंदर गया। डॉक्टर नर्स, कमाल है, ये अस्पताल पूरा खाली क्यों है? मनु ने ममता को वहीं स्ट्रेचर पे रखा और डॉक्टर को ढूंढने चला गया। वो भीतर के कमरे में गया जहां बहुत अंधेरा था। डॉक्टर कोई है यहाँ? वो दूसरे कमरे में गया, वहां भी कोई नहीं था। अचानक सारी लाइट्स बंद चालू होने लगी। ये क्या, कुछ तो गड़बड़ है। मनु दौड़ते हुए दरवाजे पे पहुंचा, तभी उसे उसकी पत्नी दिखाई दी। ममता तुम यहाँ? वो तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर आए थे, उन्होंने इलाज किया और पट्टी भी बांधी। अच्छा है, वरना मुझे लगा था कि ये अस्पताल वीरान है। चलो अब चलते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला है मुझे कुछ देर आराम करने की जरूरत है, हम कुछ घंटे यहीं रुकते हैं, फिर सवेरे चले जाएंगे। चलो ठीक है। मनु और ममता वहीं बेंच पे बैठे बैठे सो गए। अचानक ममता ने अपनी आंखें खोली और वो मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद मनु की आंख भी खुली। ममता ममता, वो ममता के पीछे दौड़ते दौड़ते मुर्दा घर पहुंचा। ममता ये तुम क्या कर रही हो? अपना शरीर देख रही हूँ। अपना शरीर? हाँ, अपना शरीर देख रहा हूँ। मौत की चीखों के साथ रात ढल गई और अगली सुबह जब अस्पताल खुला तो मंजर ही दिल दहला देने वाला था। मनु की लाश मुर्दा घर के फर्श पे पड़ी थी और ममता वहीं पंखे से लटकी हुई थी। ये लोग भी उस अघोरी आत्मा के शिकार हो गए। अघोरी आत्मा? हाँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। दोनों नर्सेस रेस्ट रूम में गई। एक महीने पहले की बात है, रात के करीबन 10 बजे होंगे। दो आदमी एक अघोरी बाबा की लाश को यहाँ ले आए। डॉक्टर इनको देखिए, ये तो मर चुकी है। मैं तुझे बोल रहा था ये मर गई है, तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे लेकिन अगर ये जिंदा होता तो इसकी जान बच जाती। ये क्या बाबा, आपकी गाड़ी के नीचे आकर मर गया? नहीं नहीं सर, हम तो जंगल में कैंपिंग कर रहे थे तभी हमें ये मिले। हमें लगा कि इनकी तबीयत खराब है, इसलिए इंसानियत के नाते इन्हें यहाँ ले आए। मुझे तुम दोनों की बातों पर यकीन नहीं है, हमें इनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, तभी सच सामने आएगा। नर्स आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। देख तेरी इंसानियत के चक्कर में इस बार हम फिर फंस गए। डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करके मुर्दा घर ले गए। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर अचंभे में रह गए।
दिस इज इम्पॉसिबल, इसका पूरा शरीर मर गया है लेकिन हार्ट चल रहा है। नर्स, तुरंत इस हार्ट को किसी और हार्ट पेशेंट को देने का इंतजाम करवाओ। जैसे ही डॉक्टर ने हार्ट की नर्व्स काटी, उस शरीर से उस अघोरे की आत्मा बाहर निकल आई। अरे ओ डॉक्टर, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, मुझे मार दिया। उस अघोरे की आत्मा ने पहले उस डॉक्टर का गला घोट दिया, फिर उस नर्स का। अघोरे की आत्मा गुस्से में मुर्दा घर के बाहर आई, उन दोनों आदमियों की ओर बढ़ने लगी। अघोरे की आत्मा ने उन दोनों आदमियों को गर्दन से उठा लिया और उनका गला दबाकर मार दिया। इस अस्पताल ने मेरी जान ली है, आज से मैं इस अस्पताल में किसी को जीने नहीं दूंगा। यही है मेरा इंतकाम। उस दिन के बाद जो भी इस अस्पताल में 7 बजे के बाद आया, उसे उस अघोरी ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन इसमें तो ना उस डॉक्टर की ना उन लड़कों की गलती थी, वो तो सिर्फ मदद कर रहे थे। कुछ चीजें इंसानी दिमाग के परे हैं। ये अघोरी भी ऐसे ही है, अगर वो लड़के उस अघोरी को यहाँ नहीं लाते तो वो मरता नहीं, ना ही इतने सारे लोग मरते। तो इस अघोरी की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय वो तो बहुत किए। 6 महीने पहले सारे डॉक्टर्स ने और नर्सिस ने मिलकर एक झाड़ फूंक करने वाले बाबा को बुलाया था। फिर झाड़ फूंक करने वाले बाबा ने दिन भर इस मुर्दा घर में बैठकर पूजा अर्चना की। पूरे अस्पताल में मंत्रों का शोर सुनाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही 7 बजने वाले थे, सारे लोग यहाँ से बाहर चले गए, उस झाड़ फूंक करने वाले बाबा को छोड़कर। घड़ी में 7 बजते ही अघोरी की आत्मा सामने आ गई। मैं तुझे आदेश देता हूँ, इस अस्पताल को छोड़ के चला जा। तू मुझे आदेश देगा? सारे देवताओं का आवाहन करते हुए मैं तुझे इस अस्पताल से निकाल कर ही रहूंगा। मैं महादेव का भक्त हूँ, कोई शैतान नहीं, तो निर्दोषों की क्यों जान ले रहा है? इस अस्पताल ने मेरा खून किया, मेरा क्या दोष था? वो तो एक हादसा था। हादसा? तो ये सब मौत भी हादसा है। और बस अगली सुबह उस झाड़ फूंक करने वाले बाबा की भी लाश मिली। अब भगवान ही जाने इस अघोरी की आत्मा का क्या उपाय है। बाप रे, क्या अब भी उस अघोरी की लाश मुर्दाघर में है? हाँ है, उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर देते? कोई उसके शरीर को छू ले तो अघोरी उसे मार देता है। मतलब और कोई रास्ता नहीं है? फिलहाल तो नहीं। अब तो हम यही कर सकते हैं कि जब भी घड़ी में 7 बजे तो हम अपनी जान बचाने के लिए इस अस्पताल को खाली कर दें। लेकिन आए दिन इस मुर्दा घर में किसी न किसी की लाश मिलती है और रात में अघोरी जोर जोर से हंसता है। कहते हैं इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां इंसान का वास ना हो, जहां जिंदा इंसान नहीं होते। उन सुनसान रास्तों पर उनकी रूहें भटकती रहती हैं। एक ऐसा ही किस्सा है शैलेश का। अब देखिए। हाँ हेलो सीमा, नहीं अभी ऑफिस का इवेंट खत्म हुआ है। ये लोग भी ना इतनी दूर इवेंट रखते हैं यार, कैब भी नहीं ले सकता, ऐप नहीं चल रहा है। खैर यहाँ इस सड़क पर रुका हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कैसी सुनसान जगह है ये, कुछ आ भी नहीं रहा इस तरफ। ये कमबख्त ऑटो वाले भी ना। सर सर प्लीज रुकिए सर, शायद कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। वाह बस है ये तो,
अरे अरे रुको 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 रुको, मार डालोगे क्या? अजीब बस है ड्राइवर सर, आप पहले जेट प्लेन चलाते थे क्या? स्टेशन जाएगी ना ये बस? अच्छा एक स्टेशन का टिकट दे दो। भाई सुनो, ड्राइवर भाई जरा संभाल कर, घर जाना है, चांद पर नहीं जाना। अजीब बच्चा है, इन जंगल के रास्तों पर ठंड बहुत होती है। भाई ये बस स्टेशन ही जा रही है ना? अरे ये स्टेशन का रास्ता ऐसा सुनसान कैसे? कंडक्टर भाई मैंने आपसे कुछ पूछा? बड़ा अजीब है ये कंडक्टर। मैंने पूछा ये बस स्टेशन ही जा रही है ना? नहीं। ये तुम्हारी आंखें? बैठे रहो। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नहीं, ये टिकट तो ये टिकट तो 7 साल पुरानी है, और ये सब लोग। ये तो यही बस है, और ये पेपर 11 जून 2013। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ड्राइवर ड्राइवर बस रुको रुको बस रुको। नहीं नहीं नहीं, ये क्या? ये तो वही खाई है, बस खाई की तरफ जा रही है। ये बस खाई की तरफ जा रही है, ये बस अपना एक्सीडेंट दोहराने जा रही है। नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं ड्राइवर रुको, बस रुको प्लीज, मुझे जाने दो। कंडक्टर तुम कुछ करो ना प्लीज। नहीं नहीं, ये क्या है? नहीं छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। मैं ठीक हूं, एक भी चोट नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो गया? अरे ऐसे कैसे? कुछ तकलीफ है बेटा, यहां क्या कर रहे हो? काका काका मैं उस बस में। हाँ तो तुम उस बस में थे? आपको पता है उस बस के बारे में? मैं सब कुछ जानता हूं। तुम खुशकिस्मत हो बेटा, वो बस नहीं मौत की बस है। हर रात वो अपनी मौत का नजारा दोहराती है इसी सड़क पर।
तुम बच गए, इसे अपने कर्मों का फल समझो। अब चले जाओ यहां से बेटा, जाओ चले जाओ यहां से। शैलेश तो उस रात बच गया, पर पता नहीं इस मौत की बस ने कितनों का शिकार किया है। अपनी दर्दनाक मौत का नजारा ये बस पता नहीं यूं ही दोहराती रहेगी।